फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम सीआईबी के जो इलेक्टिव पेपर है रिटेल, उसका मॉडल बी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मींस कस्टमर हमसे क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या क्या है, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, बहुत से बैंक्स में इनकम लेवल के हिसाब से कस्टमर्स का मतलब डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर हाई नेटवर्थ में आएगा या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसका मतलब ध्यान देना है। और कुछ होता है कि हाँ ठीक है, ये बेसिक इनकम वाले हैं, और कोई बहुत हाई नेटवर्थ के होते हैं जिन पर हम मतलब बैंक बहुत फोकस करता है, उनको बहुत से सर्विसेज फ्री देता है, एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है, तो ये सब चीज़ें बैंक करता है। ठीक है, तो किस लेवल पे होता है, ऑब्वियसली चीज़ें इनकम लेवल पे ही हम करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 10 लाख के टर्म में बात कर रहे हैं, अगर 2 to 10 lakh है, ठीक है, तो अपना क्या है, मास मार्केट में आता है। मीन्स वो जो सेगमेंट हम कवर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मास मार्केट। ठीक है, फिर हमारा होता है इनकम लेवल 10 to 50 lakh का, जिसको मास एफिलिएंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा 50 to 400 lakhs में आता है, जिसको हम सुपर एफिलिएंट बोलते हैं। फिर 400 to 4000 को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। ठीक है, हम नहीं बोलते हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जैसे आप जब आप कभी चेकबुक अप्लाई कर रहे हो, डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो या बैलेंस चेक करते हो, तो आपको सब लिख के आता है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है या बहुत ज़्यादा सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सब लिख के आता है जब आप अकाउंट्स करते हो। तो वो चीज़ किस बेसिस पे वो करते हो, ऑब्वियसली चीज़ है कि वो जितना उनका इनकम पड़ा होगा या जितना अमाउंट वो ज़्यादा रखेंगे अपने अकाउंट में, उसी हिसाब से ये सब डिसाइड होता है। ठीक है, फिर अबव 1,20,000 से ऊपर आपका जो होता है ना, वो आपका अल्ट्रा हाई नेटवर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके इनकम लेवल के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार ये देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बाई चांस के लिए अगर कभी ऐसा पूछ दिया कि 50 to 400 वाली रेंज है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, तो एक रीड आउट करने में कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन जो इस यूनिट का है वो है मॉसलो थ्योरी। ठीक है, मॉसलो थ्योरी इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड लास्ट टाइम एक आपको केस स्टडी भी आई थी। ठीक है, एक या दो टाइप से इसमें जो एक केस स्टडी थी और एक ऐसा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन भी था इससे, तो शायद इससे 2 या 3 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो मॉसलो थ्योरी क्या होता है आपका, जैसे हमने इसको पिरामिड की तरह मॉसलो ने एक बना के दिया था, मींस उसने क्या बताया था, उसने कही थी जब आपकी जो ह्यूमन नीड्स हैं या ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उसने हायरार्की एक बनाई थी। ठीक है, हायरार्की क्या थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ हमें इसकी भी ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमारा एक लेवल आता है, मैं जैसे इजी टर्म में समझा रही हूँ, उसका एक हमारा लेवल आता है कि हाँ हमारे पास अगर ये चीज़ होगी तो अच्छा है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर होता तो हमें अच्छा लगता। और जब हमें वो चीज़ें मिल जाती तो हमें लगता काश हम ये चीज़ खरीद सकते जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, तो हम उसके लिए फिर उम्मीदें करने लगते हैं। और फिर एक टाइम आएगा कि हम मतलब ऐसी चीज़ों की उम्मीदें करेंगे जब हम वो भी पा लेते हैं कि हम काश ये हम कर सकें, जैसे नहीं लोग कहते हैं कि हाँ हम काश चांद पे पहुंच जाते, तो सबसे मतलब ऊपर की नीड हो गई ना आपकी, उसकी बेसिक नीड्स तो है नहीं, तो हम वही चीज़ की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब इनका मॉसलो के हिसाब से देखते हैं। आपका सबसे पहला जो इन्होंने दिया है वो है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो है। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पे आपका कौन सा है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। उसके बाद उन्होंने आपको क्या दिया, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स आपकी आती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपको साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, आपकी सेफ्टी इंश्योर हो गई, उसके बाद आप चाहोगे ना कि आपकी सोशलाइजेशन हो, तो सोशल नीड्स उसके हिसाब से। फिर एस्टीम नीड्स हैं, ठीक है, सेल्फ एक्युलाइजेशन नीड्स हैं। ठीक है, अगर आप लेमैन की टर्म में बात करोगे तो आप समझ गए, साइकोलॉजिकल नीड्स मींस क्या हो गया, जो डेली की ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, फिर आपकी जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात करते हैं कि हम कैसे अपना जीवन सिक्योर कर रहे हैं ना, राइट, हम कैसे अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बना रहे हैं। ठीक है, फिर एक आपका टाइम आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स होता है जिसमें आप एक तरीके से थोड़ा सा नहीं, अपना सोशलाइजेशन के लिए, दिखावे के लिए कुछ चीज़ें करो। सेल्फ एस्टीम नीड्स वही होता है सोशल नीड्स का हायर वर्जन, मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें आप बहुत दिखावा करते हो, दिखावे वाली चीज़ें जो आपकी चाहे ज़रूरत नहीं है मे बी, लेकिन आप दिखावे के लिए अपना एक रेपुटेशन बनाने के लिए इसको करते हो। ठीक है, और सेल्फ एक्लाइजेशन नीड उसके बाद आता है। ठीक है, फिर आपको एक टाइम आता है ना, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए अपने फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग आप करके कुछ करते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब बैंकिंग टर्म्स में क्या क्या है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या हो गया, अब देखिए साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या हो गया, आपको रोटी कपड़ा मकान ये सब चाहिए होता है, खाना, तो आप क्या करोगे उसके लिए, जो खर्चा हो रहा है ठीक है, पर आप सेविंग भी रखोगे ना कि कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे खाओगे, कभी महंगाई बढ़ गई एकदम से तो आपको पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपने पहले से कुछ बचत करके रखी होगी
तो वही तो काम आएगा ना। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में वही सारे आते हैं, कोर सेविंग अकाउंट होता है आपका, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, हाउसिंग लोन वगैरह आप लेते हो, जैसे जो जरूरत की साइकोलॉजिकल नीड्स अपनी कंप्लीट करने के लिए आप बैंक से जो भी मदद ले रहे हो वो आपका साइकोलॉजिकल नीड्स वाले उसमें रहता है, ठीक है। अब सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स कौन से होते हैं, देखिए आप आरडी बनवाते हो, एफडी बनवाते हो, क्यों इसलिए तो बनवाते हो ना कि जरूरत की बात अगर एकदम से पैसा चाहिए हो तो आपको, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपको एकदम से पैसा चाहिए ना, हॉस्पिटल में कैसे लाओगे, अगर आपके आरडीज एफडीज होंगे आप ब्रेक करोगे उतना पैसा इकट्ठा करोगे एक साल में, जिसको आरडी एफडीज में क्या होता है आप उसको डाल के छोड़ देते हो, जैसे सेविंग अकाउंट से आप डेबिट कार्ड के थ्रू निकालते भी रहते हो, लेकिन आरडी एफडी वगैरह में बनाने के बाद आप छोड़ देते हो, तो वही सी चीज़ है। फिर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस होता है, या फिर ऐसा होता है कि आपका कुछ हो जाए तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए और फैमिली की नीड्स भी पूरी हो जाए, लॉन्ग टर्म भी रहता है, हाई मैच्योरिटी पे रहता है। फिर आप टैक्स प्लानिंग भी करते हो, इंश्योरेंस लेते हो, म्यूचुअल फंड्स लेते हो, तो बहुत सी चीज़ें इसमें भी कवर होती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मैंने बोला था कि इंसान अपनी वैसी ज़रूरतें होती हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर होती हैं, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, अब आप चाहोगे थोड़े दिनों बाद आप चाहोगे एक मेरे पास कार होनी चाहिए, घर मैंने खरीद लिया है, पहले आप जैसे मान लीजिए घर ले लेते हो, घर लिया आपने, आपको लगा कि हाँ मुझे घर चाहिए, घर खरीदा आपने, फिर आप कार चाहिए, तो अब सीधी सी बात है, या तो आपकी हर किसी की सैलरी इतनी नहीं होती कि वो अफोर्ड कर सके, ठीक है, तो वो ईएमआई इस पे लेता है या फिर बैंक से लोन लेता है। अब लोन में कौन से आते हैं, कब कार लोन लोगे, कंज्यूमर लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे, होम लोन लोगे, हर एक पर्सन की अलग अलग नीड्स के हिसाब से वो अपना लोन लेता है, ठीक है। कुछ बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, नहीं पेरेंट्स एक साथ पैसे दे सकते तो एजुकेशन लोन लेके वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, जॉब के बाद वो बैंक को पे करते हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सोशल नीड्स के अंदर आती है, ठीक है, बैंक के उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स अब क्या हो गए, जैसे आपका मतलब आपका बेसिक लेवल पे आपने जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल लीजिए, आपने एक कार ले ली, ठीक है, बट आप चाहते हो कि अब हम इसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लें, जैसे अपनी अभी आपके पास नॉर्मल कार थी, आप चाहे सोच रहे हो फेरारी लें या ऐसी करके मतलब कुछ मतलब उससे अच्छी कार, एक अच्छे एडवांस वर्जन में, तो अब आपको क्या होगा, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकोगे तो ऑब्वियसली चीज़ है आप दोबारा से कार लोन लोगे, फिर अपना क्या करोगे इस टर्म इंश्योरेंस वगैरह कराओगे, और फिर मतलब आपका मतलब यह है कि अब जो नीड्स पूरी होगी अब ये एक्स्ट्रा है, मतलब शायद मे बी इसको आप नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका सेल्फ एक्टुलाइजेशन नीड्स कौन सी होती है, जब आपको एक टाइम आता है आपको रियलाइज होता है कि अब आपको फ्यूचर के लिए भी कुछ करना है तो आप पेंशन का लेते हो, एफडी आरडी ये सब फ्यूचर में भी काम आती है, बट यहाँ जो बात हो रही है ना वो लाइफ टाइम की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे पेंशन के लिए करोगे, अपने रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ढूंढोगे, फिर आप जब सीनियर सिटीजन बन जाओगे तो सीनियर सिटीजन के रेट्स पे आप एफडी आरडी, गवर्नमेंट ने जो आपको पेंशनर्स वगैरह के लिए जो स्कीम्स निकाली हैं सीनियर सिटीजन के लिए उनको लोगे, तो वो सब चीज़ें आती है आपकी सेल्फ एक्टुलाइजेशन नीड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आपका मैं केस स्टडीज आगे करवाऊंगी, लास्ट टाइम आपका कैसे आया था ना केस स्टडी कि एक गार्ड है उसके पास कोई जॉब नहीं है, अब ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक जॉब आई, उसने ये तीन चार चीज़ें की, ये तीन चार चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, एक्चुलाइजेशन नीड में है, आपका साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, एस्टीम नीड्स हैं, या सोशल नीड्स हैं, तो इस टाइप करके क्वेश्चन था। तो सोचिए मतलब एक लंबा सा पैराग्राफ था और उससे आपको अंदाज़ा लगाना था कि ये मॉस्लो के ये जो थ्योरम है ना इसके किस उसमें लेवल पे आता है, वो जो उसकी जॉब लगने के बाद उसने जो काम किया वो, ऐसा करके एक चीज, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, ठीक है। तो कस्टमर क्या क्या चाहता है आपसे, ठीक है, तो आपका क्या रहता है, आप टेंजिबल रहने चाहिए, ठीक है, मतलब आपका जो टेंजिबल मीन्स क्या हो गया कि आपका जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप खुद एक मतलब प्रेजेंटेबल वे में होना चाहिए, ठीक है ना। रिलायबिलिटी कितनी है, जैसे अगर आपने कोई चीज़ आपने कस्टमर्स को कहा है कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आपको वो प्रोड्यूस करके देना है, वो परफॉर्म करके देना है, एक रिलायबल पर्सन मतलब अगर आप शो करोगे ना तो आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसा, अगर आपसे कस्टमर आके कोई बात करता है तो आप कैसे बात करते हो, उसको समझाते हो, बताते हो चीज़ें, या उसको नहीं ऐसे हम कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता जाओ, तो वो चीज़ है कि आप कितना रिस्पॉन्सिबली आप मतलब कस्टमर्स को डील कर रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एश्योरेंस कॉम्पिटेंस, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, आपके पास
वो रिक्वायर्ड स्किल सेट और नॉलेज है। मतलब मान लीजिए आप किसी सीट पर बैठ के काम, आप मान लीजिए डेली रूटीन पे बैठते हो और एक दिन कुछ बात हो गई, आपको लोन में बिठा दिया, अब कोई बंदा आपसे आके अगर इंक्वायरी करता है और आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो सीट तो आपके लिए बेकार हो गई ना। आप उस सीट पर बैठ के भी कुछ काम नहीं कर सकते। तो वो चीज़ की बात हो रही है कि आप जो आपको काम दिया गया है आपकी स्किल्स हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्टेसी, मीन्स आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, पोलाइटली बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, जेंटली बात कर रहे हो, क्या है मतलब रूडली बिहेव कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, तो वही है कर्टेसी, कैसे बात कर रहे हो। ठीक, क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि आप कितने अपना, जैसे आपका बैंक का कोई प्रोडक्ट है, आप कस्टमर को उसको बता रहे हो, उसको लेने के लिए बोल रहे हो, तो आपको एक तरीके से आप उस प्रोडक्ट के लिए क्रेडिबल हो गए, मतलब आपको पता, क्रेडिबिलिटी देते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ऐसा है, आप ऐसे काम कर सकते हो इससे, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, कि आप ट्रस्ट बढ़वाते हो लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, फ्रीडम है कि आप कैसे मतलब उनको, जो उनके मन में डाउट है, जो उनके मन में रिस्क है, उनसे कैसे फ्रीडम प्रोवाइड करते हो। ठीक है, ये चीज़ आती है सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है, पहले तो एक्सेस होता है। ठीक है, एक्सेस में किस बात की बात होती है कि वो आपसे कितना इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कितना इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्माइल के साथ बैठोगे ना, तो जब कोई बंदा बैंक में आपका एंटर होता है ना, तो आपके पास सबसे पहले आता है कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर कर देगा, इस टाइप से मतलब एक्सेसिबिलिटी बन जाती है जब आप एक अच्छे मैनर में किसी को डील करते हो। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं आपके। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एक, मान लीजिए बैंक में हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं, अब मान लीजिए आपने एक लेबर क्लास बंदे से आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो वो क्या समझेगा ना, तो वह कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है आपको, जो बातें जिस तरीके से लेवल में उसको समझ में आती है आपको उसी टर्म में समझानी है, लेमन के टर्म में समझानी, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। ठीक है, अब मीन्स ये है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया था, उसको कैसे डील करोगे, कैसे उसकी टफ से टफ, अगर उसने कोई रिक्वायरमेंट आपसे रखी है, कोई जानकारी चाहता है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, वो सब चीज़ उसके अंदर आती है। ठीक है, अब मैं सेटिस्फेक्शन लेवल की बात हो रही है। देखिए, जब बैंक्स में क्या होता है ना, आपकी ऐसा तो है नहीं कि आपने परफॉर्म कर रहे हो, बैंक्स को ये जानकारी नहीं रख रहा है, वो क्या करता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसमें होते हैं। देखिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI बोलते हैं, इसके आपके सर्विस क्वालिटी वगैरह को मेजर करता है। ठीक है, क्या है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या आता है कि देखिए आपका जो मेजरमेंट होता है वो इस लेवल पे होता है, इनको आपको सेटिस्फाई करना होता है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितना है, एडवोकेसी क्या है, लॉयल्टी क्या है। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट बैंक क्या होते हैं ना, जो आपके सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें लीड करते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर आप जैसे सर्विस क्वालिटी और कितना कोई किस बिजनेस पे ज़्यादा वर्किंग है, तो प्राइवेट बैंक सेविंग अकाउंट्स प्राइवेट बैंक से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो सेविंग अकाउंट्स के डोमेन को डील डोमेन को एकदम से उसने अपना मतलब कब्जा कर रखा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और सेविंग अकाउंट्स का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं ना, वो लोन पे उनका बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, आप कभी भी गौर करना, जो फ्रेश लोन होते हैं ना, वो ज़्यादातर पब्लिक बैंक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेन बैंक होते हैं, उनका होम लोन और क्रेडिट कार्ड्स में बहुत अच्छा डीलिंग रहता है, डोमेन मतलब इसको अच्छे से एक्वायर कर रखे हैं लोन। ठीक है, अब आपके बैंक जो होते हैं ना, ट्रीन क्लस्टर्स के हिसाब से इंडेक्स में जो है ना स्कोर करते हैं। ठीक है, वो मतलब उन तीन क्लस्टर्स को ही फॉलो करते हैं और उसके थ्रू वो अपना डील कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका, जैसे मैंने भी बताया क्लस्टर कौन कौन से, होम लोन है आपका, प्राइवेट आप क्रेडिट कार्ड साइड में ज़्यादा अच्छा कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वही सब है। अब सर्विस क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, सेविंग बैंक में क्या होता है, टच पॉइंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स क्या बात कर रहा है ना ये, मतलब कि आपके पास कोई आया और आप कैसे उसको एक्सपीरियंस दे रहे हो। ठीक है, ब्रांच लेआउट क्या है, सेविंग अकाउंट्स कैसे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक में कैसी हो रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, प्रॉब्लम इंसिडेंट्स कैसे हो रहा है, ये सब। जितना कम प्रॉब्लम आपके उसमें शो आएंगे, जितनी कम कंप्लेंट्स आएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है ना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जो सेविंग अकाउंट्स में एक्टिवेशन टाइम को बताता है, मतलब कि 3 दिन के अंदर आपको कितना इंडस्ट्री में एवरेज मिल रहा है, इस सब करके पूरा। ठीक है, तो मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ये बेसिक मतलब आपको बताया जा रहा है कि सर्विस क्वालिटी कैसे चाहिए। ठीक है, अब आपका कस्टमर माइंडसेट कैसा है, ठीक है, आप कैसे मतलब PSU बैंक्स में आपका कैसे डिलीवरी हो रही है, कैसे आप मतलब सेटिस्फाई कर रहे हो कस्टमर्स को। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वही तो फॉलो करता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो ना कस्टमर्स को, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब होम लोन है जो हम इसमें नहीं देखेंगे, आगे चल के जब पूरा एक आएगा तब हम उसमें देखेंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए मैंने जो बताया था, देखिए ऐसा एमसीक्यू भी दे रखा है क्वेश्चन में, द कस्टमर सेगमेंट हुज इनकम लेवल इज बिटवीन 10 to 50 lakh इज रेफर्ड टू मास एफिलियंट। ठीक है ना, इससे पहले वाला जो होता है उसको मास मार्केट बोलते हैं, नीचे वाले इसको 50 to 400 वाले को सुपर एफिलियंट बोलते हैं। ठीक है, इसका हाई नेटवर्थ आता है, सुपर हाई नेटवर्थ आता है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ आता है, जो 1,20,000 से ऊपर लैक में है। ठीक है, अब है मास्लो की बताई है एक्सपांशन नीड्स जो हैं वो। ठीक है, अब कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन सर्विस क्वालिटीज कैसी रहती है, जो हमने ये भी पढ़ लिया है, टेंजिबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, एश्योरेंस होनी चाहिए और एम्पथी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा ये यूनिट था ये कम्प्लीट हो गया है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।